हैप्पी सबत आप सबको, सबत का मुबारक हो आप सब लोगों को। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ आज के मैसेज के साथ। और हम आज जो है सीखेंगे दानियल की पुस्तक में से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम छठे अध्याय पे थे हम पिछले हफ्ते में, और इस हफ्ते हम सातवें अध्याय पे जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम लोग सब इसको बड़ी गौर से देखें और सुने और दूसरे लोगों में बताने की कोशिश करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब आप इस वचन को सुनते हैं। आइए थोड़ी प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। प्यारे खुदा हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, तुमने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आ सकते हैं, तूने ये समय दिया कि हम तेरे वचन में जा सकते हैं। जो भी मैं बोलूँ खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने इस वचन में, और तुझे पहचानने वाले बने, तेरे नजदीक आने वाले बने, तेरे विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा पूरी तरीके से मेरे लबों को छू पवित्र आत्मा से भर के, ताकि मैं एक एक शब्द जो भी बोलती हूँ खुदा वो तेरी तेरे भवन से आए, तेरी आत्मा से आए, ताकि लोग इसको समझें और अपने आप को तेरे आगमन के लिए तैयारी करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि सातवें अध्याय में आज हम अपना स्टडी करेंगे, और ये सातवां अध्याय जो है भविष्यवाणियों से शुरू होता है। यहाँ पे जैसे देखते हैं कि भविष्यवाणियां जो है सिंबल्स हैं, एक निशाना है, एक निशान है जो कि हमें समझने के लिए अग्रसर होती है। जब हम भविष्यवाणी को देखते हैं और उसमें सिंबल्स होते हैं, उसको व्हेन वी लुक एट द सिंबल्स वी नीड टू गेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिंबल्स, सो दैट इज व्हाई वी हैव द प्रोफेसीज। When we look at the second chapter of Daniel, that was we saw the four matters, four kingdoms that was shown to Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Now we have already studied the second chapter of Babylon, second chapter of Daniel. हमने दूसरे अध्याय की already अपनी अध्ययन कर लिया है, और वहाँ पे हमने चार धातुओं के बारे में देखा था, सोना जो कि बेबीलोन को जाहिर करता है, चांदी जो कि मादा फारस को जाहिर करता है, और कांस्य जो कि ग्रीक यानी अलेक्जेंडर को जाहिर करता है, और रोम जो कि लोहा है, और पैर जो है जो मिट्टी और लोहे को जाहिर करते हैं, फिर एक पत्थर स्वर्ग से आता है और उसको मूर्ति को चकनाचूर कर देता है, उससे जाहिर होता है कि इस दुनिया के जितने भी राज्य हैं सबका अंत होगा और परमेश्वर का राज्य है हमेशा हमेशा तक स्थापित होगा। आइए आज हम वो चार जंतु जो कि हम समुद्र में से निकलते हैं दानियल सात के अध्याय में हम देखेंगे। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग भी करूँगी बीच में, ताकि आपको पिक्चर देखते ही आप समझ जाएं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम आज स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, ताकि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर देखा जाए दानियल सातवें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, बाबुल के राजा बेलशाजर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा, तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी, तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्वप्न जो दानियल को दिखाया गया, ये नबूकदनेस्सर राजा के जो चौथा और पांचवा जो हमने अध्याय सीखा है उस समय में इसको ये दिखाया गया था, लेकिन इसको जो है इधर जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसने वो स्वप्न को देखा। क्योंकि तो मैंने बताया जैसे कि सिंबल्स हैं, सिंबल्स के द्वारा हम देखेंगे। जैसे एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि दानियल की पुस्तक जो है वो जो है धातु के तौर पे
रिपीटिशन हुआ है इसमें, मतलब उसको बार बार दोहराया गया है। जैसे कि हमने दानियल की पुस्तक जो कि भविष्यवाणी थी उसमें देखा, और वही चार जो राज्य थे वो हम आज आगे देखेंगे यहाँ पे, ये फिर वो को रिपीट हो रहा। लेकिन जो हमने दानियल के दूसरे अध्याय में देखे थे वो हमने थोड़े ब्रीफ या सारांश में उनको दिखाया गया था, लेकिन आज जब हम इसको देख रहे हैं ये थोड़े और डिटेल में जा रहा है, इसलिए ये रेपिटिशन है। दानियल की पुस्तक में जो है रेपिटिशन है, जब नेक्स्ट रेपिटिशन जब रिपीट होता है, दोहराया जाता है, उसको लार्जर स्केल पे या उसको समझने के लिए सारांश में नहीं होता, वो डिटेल में उसको समझाया जाता है। तो यही आज जो है ये दानियल के पुस्तक के बारे में हम सीख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उसको ये स्वप्न, नींद में ये स्वप्न आया और ये वर्णन दिखाया गया या दर्शन दिखाया गया, और रात में वो सो रहा था और उसने जो है उसको लिखना भी शुरू किया। जैसे जैसे वो देखता गया उसको लिखता चला गया। कह रहा महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। ओके, महासागर तो हम पानी को जाहिर करेगा, और आंधी का चलने का मतलब है बर्बादी। ओके, समुद्र में जब तूफान आता है तो जो बड़े बड़े जहाज हैं उनको बड़ा चौकन्ना होना पड़ता है। उस आंधी का जो समुद्र में आती है उसका उन्हें बड़े होशियारी से सामना करना पड़ता है, ताकि उनके जहाज को कोई भी नुकसान ना हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ अगर देखा जाए प्रकाशित वाक्य उसकी 17:15 में हम जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये पानी जो है इसको जाहिर कर रहा है। 17:15 फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर वैश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वही क्या है, लोग जाति और भाषाएं हैं, फर्क फर्क भाषा के लोगों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसलिए पानी जो है अजीजों वो जाहिर करता है लोगों को। और यहाँ पे अगर हम देखें जो विंड जो वहां से आई उसको देखते हैं कि वो किसको जाहिर करती है। यहाँ पे हम थोड़ा से जर्मिया में जाएंगे, और यहाँ पे यर्मिया उसके 49 में 49 ऑफ जर्मिया वी विल सी व्हाट डू द विंड्स रिप्रेजेंट। ये आंधी जो है किस चीज को जाहिर करती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पानी का देखा वो लोगों को जाहिर करती है, आंधी किसको जाहिर करती है, यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रक्शन जिसको बोला गया है 32 में यहाँ पे दिखा हुआ है। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल भेड़ बकरियां लूट में जाएंगे, क्योंकि मैं उनके गाल बल्ला मुंडाने वालों को उड़ाकर दिशाओं के तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाऊंगा। ओके, जो आंधी है वो विपत्तियों को जाहिर करती है। अब हम देखते हैं समुद्र में से चार बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे, अलग अलग थे, इनको हम अब देखेंगे कि कौन से वो जंतु हैं जिनको अलग किया गया। पहला जंतु जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है पहला जंतु सिंह के समान था, उसके पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नोचे गए, पंखों के पर नोचे गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। पहला जंतु, अगर बेबलोन में अगर आप जाके देखें तो वहां पे सिंह और उसके ऊपर उकाब के पंख लगे हुए, ये उनका एक सिंबल था बेबलोन का। और ये जंतु जो सिंह के समान है, अब सिंह के समान अगर देखा जाए तो
सबसे ताकतवर जो है इस धरती पे वो सिंह है जानवर में अगर देखा जाए, और फिर उसके ऊपर उकाब के जैसे पंख थे, ये कह रहा उसके पंखों के पर नोचे गए। अब पंखों के पर को नोचने का मतलब है उसका अंत का आना। हम जानते हैं कि दानियल के दूसरे अध्याय में मादा फारस के लोगों ने आके बेबीलोन को धराशायी किया, और बेबीलोन को धराशायी करके जो चांदी का जो राज्य था वो स्थापित होता है। सोने का राज्य को चांदी के राज्य ने इसको धराशायी करके अपना राज्य स्थापित किया। ये कह रहा है वह भूमि पर से उठ के मनुष्य की नाई पाओ के बल खड़ा हुआ। बेबीलोन बहुत ताकतवर राज्य था और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। नबूकदनेस्सर को सभी राज्य के राजा के राज्य के लोग बहुत ईमान और सम्मान देते थे, उस पर भरोसा भी करते थे, इसलिए जो है यहाँ कह रहे हैं उसे मनुष्य का हृदय दिया गया। तो यहाँ पे पहला जंतु जो है वो बेबीलोन को जाहिर करता है, और जो सिंह है और उसके उकाब के पक्षी हैं ऊपर हैं। दूसरा राज्य अगर देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच तीन पसली थी, और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। अगर हम यहाँ पे देखें कि उठा हुआ था, एक साइड से वो उठा हुआ था, और उसके दांतों के बीच में कह रहा है पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच तीन पसली थी। अब यहाँ पे मेरा पिक्चर से आप एकदम से समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्या बताना मांग रही हूँ। यहाँ पे कह रहा है ये बड़े क्रूर टाइप के लोग थे रीच को जो जाहिर किया गया है, और ये मादा फारस लोगों ने ये तीन जो री आप देख रहे हैं तीन पसली जो देख रहे हैं, मादा फारस ने तीन राज्यों को जीता और उनको हरा दिया, पराजित किया, लीडिया, इजिप्ट और बेबीलोन। इसलिए यहाँ पे इसके मुंह में तीन पसली जो है दी गई हैं, और यहाँ पे बताया गया कि उसने वो बड़ा क्रूर जानवर है, बहुत ही फिरोशस है, भयंकर है, भयानक है, और इसको जो है किसी के ऊपर तरस नहीं आता इस जानवर को। तो मादा फारस के जो लोग थे वो भी इसी टाइप के लोग थे, और उन्होंने बड़ी क्रूरता से बेबीलोन को पराजित किया और खुद आके गद्दी पे बैठ जाते हैं। तीसरा जो हम देखेंगे, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से चार पंख हैं, और उस जंतु के चार सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। अब ये देख रहे हैं पीठ पर पक्षी के से चार पंख हैं। पंख का मतलब है उड़ना, और तीव्रता मतलब स्पीड जिसको कहते हैं। आप देखें सबसे फास्टेस्ट जानवर इस धरती पे है तो वो है चीता। तो वो बहुत 40-50 की स्पीड में दौड़ता है, और वो स्पीड जो है हम देखेंगे यहाँ पे जिसकी पीठ पर ये चार पंख हैं और उस जंतु के चार सिर थे, और चार सिर के होने का मतलब है और उसको अधिकार दिया गया। अब मादा फारस के बाद यहाँ पे अगर हम देखें इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जिसको कहा गया है, तो 28 साल की उम्र में उसने ज्यादा से ज्यादा दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। उसकी मृत्यु हुई जब वो 33 वर्ष का था। तो हम ये देखते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई सक्सेसर नहीं था, और वो सक्सेसर ना होने की वजह से उसका राज्य जो है चार हिस्सों में बढ़ जाता है। जब हम देखते हैं चार उसके जनरल्स होते हैं जिनके ऊपर उनका भार आता है, लेकिन उसके बाद जो है उसका राज्य जो है धीरे 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 वो कमजोर पड़ता जाता है। और हम देखते हैं कि जो ये चार राज्यों में
सेलेकस, कैसेंडर, टॉलेमी, ये लोग जो थे, और ये लोग यहाँ पे जो है चारों के चारों उनको ये तितर बितर हो जाता है, चार हिस्सों में इसका राज्य बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक और एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, और वो सब कुछ खा डालता है और चूर चूर कर देता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंद देता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। यहाँ पे जो बताया गया है कि पहली बात हमारे मन में पिक्चर आ जाती है सिंह की, शेर की, वो हमारे मानो ये शेर ऐसे दिखता है। हम रीछ की भी पिक्चर हमारे मन में आ जाती है कि वो ऐसा दिखता है, हमारे मन में चीते की पिक्चर भी आती है कि वो ऐसा दिखता है। लेकिन जब ये चौथा जंतु जो है ये क्या भयंकर है, डरावना है और सामर्थी है, ये इसके जो है गुण है, डरावना भी देखने से लोग डर जाएंगे, उसके पास नहीं जाना मांगेंगे। तो ये कह रहा है उसके कितने लोहे के बड़े बड़े दांत बताए उसके, और वह सब कुछ खा डालता है। तब जिसके लोहे के दांत है तो नेचुरली जो भी इसके सामने आएगा उसको सबको चकना चूर कर देगा दांतों से, और कह रहा जो चूर चूर कर देता है और जो बच जाता है उसको पैरों से रौंद देता है। कितना भयंकर, कितना डरावना, कितना परेशान करने वाला, क्रूरता उसमें कोई लिमिट नहीं है, और ये दूसरे जंतुओं से भिन्न है। अब अगर हम देखें कि इस जंतु को हमारे मन में ये पिक्चर बिल्कुल नहीं आएगी जैसे कि सिंह, रीछ और चीते की आई, क्योंकि ये देखने में भयंकर है, और इसके ऊपर 10 सिंह भी बताए गए कि वो उसके सर के ऊपर 10 सिंह हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो जंतु हैं, सिंह, रीछ, चीता और ये भयंकर सा दिखने वाला जंतु जो चौथा है, ये चारों फरक फरक राज्य हैं। सिंह जो है वो सोना है बेबलोन, और चांदी जो है वो मादा पारस है जो रीछ को जाहिर करती है, और कांस्य जो है वो सिकंदर महान को जाहिर करती है जो कि ग्रीक यूनान का राजा था, और ये जो चौथा जंतु है रोम को जाहिर करता है। हम देखते हैं कि ये जो रोम है यहाँ पे जो अगर आप इसकी, मैंने आपको जब दूसरा अध्याय जब मैंने आपको दिया था तो मैंने वहाँ पे इनकी डेट्स भी बताई थी, आपको याद होगा। सिंह का जो राज्य था 605 से 539, और जो रीच था उसका राज्य था 539 बीसी से 331 बीसी, और अलेक्जेंडर द ग्रेट 331 बीसी से 168 एडी तक, और 168 बीसी तक, और फिर हम देखते हैं 168 बीसी से 351 एडी तक ये चौथा जंतु है जिसका राज्य कायम हुआ, और ये 10 सिंह जो जाहिर करते हैं ये 10 राज्य हैं जो रोम जो है 10 राज्यों में बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? ये 368 बीसी से 351 बीसी के बीच में इसका बढ़ना हो जाता है। मैंने आपको पिछली बार जब दूसरा अध्याय जब मैं आपके साथ कर रही थी तो मैंने आपको वो 10 राज्य भी बताए थे कि किस तरीके से वो 10 राज्य बिखर गए और 3 जो उसमें से पराजित हो गए उनको प्लक आउट कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये सिंह जो हैं, मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए, अब ये 10 सिंह जो हैं, 10 सिंह के बीच में से एक छोटा सिंह निकलता है और वो छोटे सिंह के बल से 3 सिंह उखाड़े गए, 3 सिंहों का उखाड़ने का मतलब है रोम के जो 10 विभाजित देश थे उनमें से 3 जो है उनका खात्मा हो गया जब ये छोटा सिंह उसमें
निकला। फिर मैंने देखा इस सिंह की मनुष्य किसी आंखें। अब इसको आप अगर YouTube में जाएंगे और या अगर गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी पिक्चर दिख जाएगी। लेकिन उसकी इस सिंह की मनुष्य के समान आंखें थी। अब वो सिंह तो है लेकिन उसका फेस जो है पूरा का पूरा फेस जो है वो एक आदमी का मनुष्य का जैसा फेस है उसका, और आंखें भी उसकी मनुष्य के समान है, और वो बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। इसका मतलब यह है परम प्रधान जो परमेश्वर है उसके खिलाफ उसके विरोध में वो बोलता है, इसलिए उसको बोला गया है बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। अब ये दानियल यहाँ पे जो है आसमानी सिंहासन देख रहा है, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। इसका मतलब है अति प्राचीन का मतलब है परमेश्वर का विराजमान होना। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। ये परमेश्वर की व्याख्या दानियल कर रहा है। उसका सिंहासन अग्नि में, उसके पहिए धधकती हुई आग जैसे देख पड़ते थे। ये सिर्फ दानियल जो है अपने स्वप्न में देख रहा है और वो लिखता जा रहा, कह रहा है सिंहासन कैसा है, अग्नि में उसमें से आग निकल रही और धधकती हुई आग कैसे पड़ रहे थे, पहिए उसके जो थे धधकती हुई आग जैसे घूम रहे थे पहिए। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। ओके, परमेश्वर के मुंह से आग की धारा बह रही थी। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। आसमानी दर्शन है और यकीनन परमेश्वर के पास हजारों हजारों लोग हैं जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं, और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खुली गई। अब यहाँ पे दिखाया गया है न्याय का समय। न्यायी बैठ गए जो उन्होंने न्याय करना था, और पुस्तकें खुली गई। जो लाखों लाखों लोग सामने खड़े थे वो अपने न्याय का इंतजार में लगे हुए थे कि कब मेरा न्याय होगा, मुझे स्वर्ग में जाना है या मुझे नर्क में जाना है। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रह गया। ओके, अब हम वापस छोटे सिंह पर आ जाते हैं, और ये कह रहा वो बड़ा बोल मतलब परमेश्वर परम प्रधान के विरुद्ध में वो बोल रहा है, और कह रहा मैं उसको देख के चकित हो गया। और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया। अब हम अगर देखें जंतु घात किया गया 1798 में, जब ये फ्रांस का जो जनरल था वो वहां पे आया और उसने पोप को जो है अपने कब्जे में लिया और उसको फ्रांस ले जाता है। जनरल बर्थियर जो थे नेपोलियन ने उसको ऑर्डर दिया था। और इस तरीके से रोम जो है थोड़ी जगह यहाँ पे कह रहे हैं जंतु घात किया गया। इसका मतलब ये है रोम चोटिल हो गया और यहाँ पे पोप को कैप्चर किया गया। उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। थोड़े समय के लिए ये रोम का राज्य जो था थोड़ा हिल जाता, लेकिन फिर वापस उसको वो राज्य वापस मिल जाता है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो सींग है ये परमेश्वर के लोगों को सताहट के लिए है, उसने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलता है और बड़े 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 मुंह बोलता है, बोल बोलता है परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों को जो है उनको सताता है। ये जो इसको हम बोलते हैं डार्क डे, डार्क एजेस बोला गया है 539 से 1798 तक अगर देखा जाए, 538 सॉरी, सो ये 1260 साल का समय है जबकि मसीही लोगों को सताया गया और जिन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी उनको मारा गया, उनके बच्चों को उनके सामने जला दिया गया, उनके बच्चों को चीर फाड़ कर दिया और जिंदा जलाया गया। ये जो समय था इसको बोला गया मसीही लोगों के लिए डार्क एजेस का पीरियड था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटा सिंह का क्या काम है। उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। ओके, रोम का राज्य है वो जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा।
सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चोर चोर करेगा। चौथा राज्य। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसी समय रोम के राज्य में यीशु मसीह आए हैं, और जब हम देखते हैं कि रोम के राज्य में यीशु मसीह आए हैं और सीजर अगस्टस का वो समय था जबकि उन्हें सीजर अगस्टस के समय यूसुफ और मरियम को बैतलहम जाना पड़ा अपना नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि यूसुफ जो है बैतलहम से ही पैदा हुआ था, वहीं उसका नगर था, बर्थ का नगर था। तो जब हम इसको देखते हैं तो यीशु मसीह का समय था जब रोम का राज्य स्थापित होता है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा, वाकई में रोम का राज्य सब राज्यों से भिन्न है, सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव पर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ ये है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, जैसे कि मैंने सेकंड उसमें बताया दानियल के सेकंड अध्याय में, ये 10 राज्य जो है रोम के 10 राज्य विभाजित हो जाते हैं, 10 राजा होते हैं, 3 को जो है पराजित कर दिया जाता, वो वहां से गिर जाते हैं 3 राज्य, और उनके बाद उन पहलों में से भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और ये छोटा सिंह जो है ये वही राजा है जो 3 रोम के राजाओं को गिराता है। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। परम प्रधान का मतलब है परमेश्वर के खिलाफ। हम देखते हैं कि इस 25वीं आयत में बहुत सी चीजें दी गई हैं। परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा ना, पवित्र लोगों के, परम प्रधान के लोगों को, विश्वासी लोगों को वो सताएगा। आजकल अजीजो आप लोग देख रहे हैं कि क्रिश्चियंस को कन्वर्जन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। क्रिश्चियंस को अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक चर्च तोड़ दिया था, उसको बुला के गाड़ी एकदम तहस नहस कर दिया। क्रिश्चियंस को जहाँ भी जो आराधना कर रहे हैं वहाँ पे फिर से वही सताहट का समय आ गया है। यहाँ पे कह रहा है परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। हम उसी समय में रह रहे हैं जब हमें उस परीक्षा में जाना होगा, परीक्षा में से निकलना होगा, और परमेश्वर जो जिसके पर हमारा विश्वास है, ये जो रोमी हुकूमत है, आप जानते हैं कि रोम में पोप का राज्य है और पोप फ्रांसिस, और सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब संडे लॉ आएगा। संडे लॉ आने से कई चीज़ें हैं जो कि हम मसीही लोगों पे रोक लगाई जाएगी। तो हाँ, ये वही समय हम फिर उसी में आ गए हैं। परम प्रधान के लोगों को पीस डाले, क्रिश्चियंस जहाँ वर्शिप कर रहे हैं उनको गिरजे तोड़ देते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं और हत्या करते हैं, उनकी पादरी लोगों की हत्या करते हैं। ये वही समय है जिसमें हम आ गए हैं, और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेंगे। अब समय और व्यवस्था का बदलने का मतलब है चौथी आज्ञा को उसने क्या करा, बदल दिया। 10 आज्ञाओं को जो है उसने पहली आज्ञा को, अगर आप देखें रोमन कैथोलिक चर्च की 10 आज्ञाएं और दूसरे प्रोटेस्टेंट चर्च की 10 आज्ञाएं, दोनों फर्क हो गए। तो इसने जो है, जो छोटा सिंह है, इसने व्यवस्था को भी बदल दिया है। और अब जो कह रहे हैं कि वो कहता है कि बाइबल जो है उसको वो उसका तिरस्कार कर रहा है, कि वो एक और बाइबल लिखना मांग रहा है, कि वो बाइबल जो वो निकालेगा लोगों को उसी को पढ़ना है। तो हमारे पास बाइबल भी हमारे पास नहीं रहेगी, परंतु 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि ये छोटा सीन किस तरीके से अपने लोगों को घात करेगा। फिर हम देखते हैं, परंतु तब न्यायी बैठेंगे, ओके, उसके बाद न्यायी बैठेंगे, न्याय होगा,
और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी। ये जो हमने सेकंड अध्याय में जो देखा था दानियल के, कि वो पत्थर आता है और उसको चकनाचूर कर देता है और दुनिया के सारे राज्य नष्ट हो जाते हैं, और परम प्रधान का राज्य जो अनंत जीवन का राज्य है, जो स्वर्ग जीवन है जो अनंत तक रहेगा, वो राज्य की स्थापना होगी। इसको क्या किया जाएगा, उसकी प्रभुता छीन ली जाएगी। जो वो डोमिनेट कर रहा पूरी दुनिया को, वो ताकत उससे छीनी जाएगी और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का राज्य होगा तो सारी दुनिया की जो पुरानी दुनिया है, जो पाप से भरी हुई, उसको बिल्कुल नई दुनिया में तब्दील किया जाएगा। स्वर्ग से आग और गंधक आएगी और इन लोगों का अंत होगा, तब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। अभी हमारा समय है कि हम परीक्षा से होकर गुजरे। जब हम परीक्षा से होकर गुजर जाएंगे और विजय हासिल कर लेंगे, तब हम उस राज्य के हकदार होंगे जो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में तैयार कर रहा है। उसका राज्य सदा का राज्य रहेगा और हम उसमें जो है प्रवेश करेंगे, हम उसमें आनंदित होंगे, हम उसमें जश्न मनाएंगे और उसके अधीन रहेंगे। परमेश्वर के आगे हमारे सामने और कोई नहीं रहेगा, परमेश्वर के अधीन हम हो जाएंगे और उसकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। तो आइए बहनों भाइयों, अगले हफ्ते हम इसके 8वें अध्याय में जाएंगे और देखेंगे कि थोड़ा और डिटेल में, जैसे कि मैंने कहा दानियल की पुस्तक जो है वो रिवाइज हो रही, रिपीट हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है इन भविष्यवाणियों को, लेकिन जब अगली बार दोहराया जाता है तो उसको सारांश में नहीं होता, वो डिटेल में उसका मतलब अर्थ बताया जाता है। तो हम 8वें अध्याय में देखेंगे कि और क्या हमारे आगे भविष्यवाणी है और हमें क्या करने की जरूरत है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, कोई हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आइए खुदा आपको बरकत दे, ये पैगाम को आप लोगों में पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन दबा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये प्रचार पहुंचे और लोग तैयार रहें परमेश्वर के आने की। ये हम उसके आने में डिले कर रहे हैं, हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। आइए हम उसी विश्वास में बने रहें और परमेश्वर के आने का इंतजार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, तुमने मुझे मौका दिया कि हम तेरे पास आके इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खुदा इन लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और तुझे परम प्रधान परमेश्वर मानने वाले बने, तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने और तेरी गवाही देने वाले बने, ताकि इनकी गवाही से बहुत सी रूहें आसमानी बादशाह के लिए बचाई जा सके। हमारी इस विनती को सुनने कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। God bless you.